प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट हिस्ट्री, और इसमें हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 रिवेलिंग ऑफ 1857 फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 का ये रिवोल्ट है, विद्रोह है, जिसमें फर्स्ट बार इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए पहली जंग शुरू हुई थी, लोगों ने आज़ादी के लिए पहली मांग उठाई थी। पहले इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड द पीपल। हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के खिलाफ जितनी भी पॉलिसी बनाई या अंग्रेज़ों ने अपने रूल के दौरान जितनी भी पॉलिसियाँ या रूल बनाए वो हर एक वर्ग को मुतासिर करते थे, जैसे कि उसमें कोई भी वर्ग अछूता नहीं था। उसमें राजाओं को भी असर पड़ा, क्यूंस को, पीजन्स को, लैंडलॉर्ड को, ट्राइबल को, सोल्जर को, छोटे छोटे किसानदारों को, सबका उन्होंने क्या किया, शोषण किया। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज और रूल निकाले जिससे इन सब वर्ग को क्या पड़ा, फर्क पड़ा था। और ये सब कानून ऐसे थे, पॉलिसियाँ ऐसी थी जो उन पर ज़बरदस्ती थोपी गई थी, लोग इसको मानने को राजी नहीं थे। इन सब पॉलिसियों की वजह से लोगों के अंदर एक गुस्सा था, और जो गुस्सा किसका रूप ले लिया, रिवोल्ट ले लिया, जिसने 1857 का रिवोल्ट का नाम लिया था। नवाब लूज देयर पॉइंट, जो पहला मेन पॉइंट इसमें आता है, नवाब लूज देयर पॉइंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे बरतानिया की हुकूमत पूरी तरह छा गई, पूरी तरह आ गई, तो सबसे पहले नवाब ने अपनी पावर अथॉरिटी को खो दिया था। नवाब को अपनी आर्मी रखने का हक नहीं था, उन्हें रेवेन्यू इकट्ठा करने का हक नहीं था, यहाँ तक कि उनकी टेरिटरी भी उनसे छीन ली गई थी। ये तो डायरेक्ट तरीका था, इसके अलावा उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से भी छीनना शुरू कर दिया था। जैसे कि उन्होंने एक प्लान के मुताबिक रिफ्यूज़ किया, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जिसका कोई सन नहीं है उसको उसकी राजगद्दी, नेचुरल अननेचुरल, उसको राजगद्दी नहीं दी जाएगी। जैसे रानी जो लक्ष्मीबाई थी झांसी की, उसने अडॉप्टेड सन लिया था, उसने अंग्रेज़ों से कहा, जब उसका हस्बैंड मर गया तो उसने उसको कहा, अंग्रेज़ों से कहा कि मेरे बेटे को राजगद्दी दी जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी बात को नहीं माना। दूसरी तरफ नाना साहब जो अडॉप्टेड सन था किसका, पेशवा बाजीराव टू का, उसने कहा कि मेरे फादर की डेथ के बाद उसकी पेंशन मुझे दी जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको भी नहीं माना, क्योंकि उस वक्त वो सत्ता में बिल्कुल ही अंधे हो चुके थे। इसी तरह जो मुग़ल बादशाहों ने अपने सिक्के बनाए थे, उन पर मुग़ल बादशाहों की तस्वीर होती थी या सिग्नेचर होते थे, अंग्रेज़ों ने उसको हटाकर नए सिक्के बना दिए गए। और बहादुर शाह जफर जो राजा था, उसको रेड फोर्ट से हटाकर दिल्ली के किसी और जगह पर भेज दिया गया था। पीजेंट्स एंड द किसान, जो पीजेंट्स एंड किसान, उनकी दशा भी ऐसी ही थी। पीजेंट्स और ज़मींदारों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। कुछ किसान तो बेचारे ऐसे थे कि उन्होंने अगर महाजनों से कुछ कर्ज लिया होता था तो वो कर्जा इतना होता था कि वो चुका नहीं पाते थे, और कर्जा जब नहीं चुका पाते थे तो उनकी टेरिटरी, उनकी ज़मीन को ही हड़प कर लिया जाता था। इसी तरह सोल्जर भी अनहैप्पी थे उनके रूल से, तो क्योंकि जो इंडियन सोल्जर थे उनको बराबर के हकात नहीं मिलते थे, जैसे कि उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलती थी, सैलरी टाइम पर नहीं मिलती थी, वर्दी अच्छी नहीं मिलती थी, या उनको वेपन रखने का हक नहीं था। तो ये सब आर्मी में भी इस तरह की क्या थी, नीतियाँ थी। दूसरा, आर्मी में एक बात और थी कि उन्होंने जो इंडियन आर्मी थी वो उस वक्त ये रूल होता था कि समुद्र पार दूसरे मुल्क में जाना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे आर्मी वाले, तो उनको ज़बरदस्ती कहा गया कि आपको समुद्र पार जाना है किसी और मुल्क में, तो ये भी सिपाही मानने को राजी नहीं थे, क्योंकि वो समझते थे कि अगर हम समुद्र पार दूसरे मुल्क में जाएंगे तो वहाँ उससे हमारा धर्म क्या होता है, भ्रष्ट होता है। हालांकि वो राजी थे कि हमें ज़मीन के रास्ते से भेज दिया जाए तो हम इसके लिए मना नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म। जो बरतानिया की हुकूमत थी वो चाहती थी कि जो इंडियन का जो
सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, रिफॉर्म है, सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिस ऑफ सती है, सती प्रथा है, जब डोरी मैरिज एक्ट को क्या करना है, बढ़ाना है। उन्होंने अंग्रेज़ों ने सबसे पहले क्या किया कि जो प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा उसको रोकने के लिए कानून बनाए। दूसरा, उन्होंने विडो री मैरिज एक्ट के लिए एक कानून बनाया कि दोबारा विडो को शादी करने का हक है। और उन्होंने 1800 मिशनरी स्कूल्स बनाए। 1830 के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत सारे मिशनरी स्कूल बनाए, जिसमें उन्होंने कहा गया कि अगर कोई हिंदुस्तानी क्रिश्चियन धर्म अपनाता है तो उसको जितनी भी पुराना उसकी टेरिटरी है या उसकी जितनी भी ज़मीन है वो उसको वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी इसको अपना धर्म के खिलाफ समझते थे, क्योंकि वो अपने धर्म में धर्म को जोड़ना नहीं चाहते थे, और ये डायरेक्ट उनके धर्म पर, उनके मज़हब पर एक वार था। अब जब ये सब नीतियाँ हिंदुस्तानियों के खिलाफ थी, चाहे वो किंग्स के खिलाफ हो, नवाब के खिलाफ हो, छोटे किसानदारों के हक़ में ना हो, तो हर कोई चाहता था कि कोई ऐसा मौका मिले कि अंग्रेज़ों के साथ बगावत छेड़ी जाए और इनको किसी तरह हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए। तो इससे सबसे पहले बात कहाँ से शुरू हो गई, मीरठ टू दिल्ली। वहाँ पर क्या हुआ कि मंगल पांडे एक सोल्जर था, मंगल पांडे जो सोल्जर था उसको क्या कर दिया, उसको फांसी पर लटका दिया। उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया मंगल पांडे कि उसने अपने ऑफिसर को मारा है। सम डेज लेटर 85 सिपाही ऑफ रेजिमेंट ऑफ मीरठ पर डिसमेड टू रिफ्यूज टू यूज ऑफ न्यू कैटरीज। और अगले कुछ दिनों के बाद, सम डेज लेटर, उसी कुछ दिनों के बाद 85 जो 85 सिपाही थे उनको फौजी अभ्यास के दौरान ये कहा गया कि आपको नए कारतूस का इस्तेमाल करना है, लेकिन उन सिपाहियों ने ये कारतूस इस्तेमाल करना मना कर दिया, क्योंकि इसका जो कारतूस को खोलने के लिए, कारतूस को बंदूक में डालने के लिए सबसे पहले मुंह से उसका सिरका उतारना पड़ता था, तो उस पर जो कवर होता था उसको उतारना पड़ता था। और इस पर कहते हैं कि पिग्स और काउ की क्या लगा था, मांस लगा था, और ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के खिलाफ था। इसलिए आर्मी में एक बहुत बड़ी क्या हो गई, जिद्दोजहद छिड़ गई, आर्मी के बीच एक बहुत बड़ा गुस्सा हो गया अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ। और 10 मई 1857 को क्या हुआ कि बहुत सारे सिपाही मिलकर उन्होंने बहुत सारे सिपाहियों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के बहुत सारे अफसरों को क्या कर दिया, मार दिया, उनको गोली मार दी, हथियार छीन कर उन्हें मार दिया। किसी ने उनको चाकू से मार दिया, किसी ने उन पर हथियारों से अटैक कर दिया, तो बहुत सारी उनकी दुकानें जला दी गई, बहुत सारी उनकी बिल्डिंग को आग लगा दी गई, उनकी गाड़ियाँ फूंक दी गई। तो एक स्लोगन निकाल दिया कि इन फिरंगियों को बाहर निकालना शुरू करो, कि ये जो फिरंगी हैं, जहाँ पर जो हिंदुस्तान पर आए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत बनाई है, इनको हमने बाहर निकालना है। तो इन सब फौजियों ने क्या किया, वहाँ से उन सबको रेजिमेंट के जितने भी फौजी थे, इन्होंने क्या किया, उन सब अफसरों को मारकर बाहर निकले और सीधा दिल्ली चले गए। दिल्ली जे चले गए बहादुर शाह जफर की मकान राजगिरा पर। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी जो वहाँ पर गार्ड लगाए थे उनको कहा कि आप हमें बहादुर शाह जफर से मिलने दो। जब उन्होंने रोका तो इन्होंने उन सभी गार्ड्स को क्या कर दिया, मार दिया, और बहादुर शाह जफर को कंधे पर उठाकर दिल्ली का राजा घोषित कर दिया गया, दिल्ली का नया राजा अपॉइंट कर दिया गया। द रिबेलियन स्प्रेड। अब ये रिबेलियन क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। स्प्रेड कैसे हो गया, बढ़ता ही गया। जब लोगों को पता चला कि आर्मी ने ऐसा कर दिया है, तो उसके बाद हर एक बंदे में, हर एक शख्स में, चाहे वो छोटा था बड़ा था, हर एक में क्या हो गया, एक जज्बा पैदा हो गया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला कदम वो उठ गया है। और कामयाब रहा इस पहले कदम में ही, 1857 के विद्रोह में ही अंग्रेज़ों को दिल्ली से क्या कर दिया, भगा दिया गया। दिल्ली पर उनका जो
कंट्रोल था उसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नया राजा घोषित कर दिया गया और फिर मेरठ में फिर और बहुत सारी रियासतों में उनके कब्जे, हर एक शख्स ने, हर एक सोसाइटी ने, हर एक वर्ग ने उनके खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको क्योंकि इस विद्रोह से सबको एक नई आशा की किरण नज़र आने लगी थी। तो इसके बाद जो छोटे किसान थे उन्होंने भी टैक्स देना मना कर दिया, जो जिनकी संपत्तियां छिन गई थी उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ होना शुरू कर दिया, सिपाही इनके खिलाफ थे, हर कोई वर्ग जो था वो इनके क्या हो गया, खिलाफ़ हो गया। अंग्रेज़ों को लगा कि इनकी ताकत धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो अंग्रेज़ों ने नए नए गवर्नर अपॉइंट करना शुरू कर दिए और नई नई पॉलिसी से नई नई रूल निकालना शुरू कर दिए ताकि इस रिवोल्ट को किसी तरह क्या किया जाए, दबाया जाए। और उन्होंने इस रिवोल्ट को दबाने के लिए बहुत सारी कोशिश की और आखिर में इस रिवोल्ट को उन्होंने दबाया भी था। द कंपनी फाइट बैक, अब कंपनी ने फाइट बैक किया, फाइट बैक से दोबारा वापस कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लिया, कंपनी ने क्या किया, अब पूरे रूल और कानून पास कर दिए, ऐसे कानून लॉ पास कर दिए, उन्होंने जितने भी रिवोल्टी थे, जितने भी ये विद्रोह करने वाले थे उन सबको पकड़ कर जेलों में भर दिया, किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को ऐसे ही जला दिया, तो सब पर क्या कर दिया उन्होंने, कानून वोट दिए, सबको पकड़ कर जेलों में भरना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, जो बहादुर शाह जफर था उसको, बहादुर शाह जफर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई और उसकी बेटी को मार दिया गया, ही एंड हीज वाइफ बेगम जिन्नत वर सेंट टू रंगून जेल, इसकी और इसकी बीबी को रंगून जेल में भेज दिया गया और जहाँ पर इन दोनों की डेथ हो गई 1862 में। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आज हमने पढ़ा है कि किस तरह 1856 का रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट में क्या हुआ था कि हर एक वर्ग उनसे क्या था, नाराज होता, नाखुश था, हर एक वर्ग हिंदुस्तान का, चाहे वो छोटे किसान थे, मैंने आपको बताया, हर एक वर्ग उनसे क्या था, नाखुश था, और हर एक वर्ग चाहता था कि कोई मौका मिले कि जिससे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बड़ी बगावत शुरू करते, और ऐसा ही उनको मौका मिल गया जब सिपाहियों ने, जब 1857 में सिपाहियों ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट छेड़ दिया था, और इससे फिर बाकी वर्ग को, बाकी छोटे छोटे जितने भी ग्रुप्स थे उनको मौका मिल गया और नए नए ग्रुप्स बन गए, फिर नई नई यूनिटीज बन गई और हर एक अपना अपना लीडर बनाना शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए, आगे आगे बढ़ते ही गए कि किस तरह अंग्रेज़ों को जहाँ से बाहर निकालना है, और सबका एक ही नारा था कि फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना है, अब हम इनके गुलाम नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।